दोस्तों, आज हम मलेरिया बीमारी के बारे में जानेंगे। मलेरिया बीमारी एक प्रकार की दिलचस्प कहानी है। इसमें मुख्य भूमिका मादा एनाफिलीज मच्छर की होती है। ये मच्छर एक प्रकार से माँ की भूमिका निभाती है, क्योंकि बच्चे को पाल पोस कर बड़े करने में माँ की भूमिका अहम होती है। वैसे तो मलेरिया परजीवी चार प्रकार के होते हैं। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, यह सबसे घातक होता है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स दूसरा होता है, जो सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद तीसरा नंबर आता है प्लाज्मोडियम मलेरी, जो भारत में अप्राप्य है या विदेशों में पाया जाता है। और चौथा आता है प्लाज्मोडियम ओवेल, ये भी भारत में अप्राप्य है, यह भी विदेशों में पाया जाता है। इन चारों में से केवल दो प्रकार ही भारत में पाई जाती है। पहला है प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम और दूसरा है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, अन्य दो विदेशियों में पाया जाता है। मलेरिया बीमारी की यह दिलचस्प कहानी तब शुरू होती है जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया परजीवी से ग्रसित व्यक्ति को काटता है, तो खून चूसने के समय यह प्रविष्ट हो जाता है, यानी अंदर पहुंच जाता है, और 10 से 15 दिन पलने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो उसके अंदर यह परजीवी प्रविष्ट कर जाता है। तब वह व्यक्ति बीमार हो जाता है। फिर उस स्वस्थ व्यक्ति को 8 से 10 दिन बाद पहली बार बुखार आता है और ज्वर में शरीर का तापमान उच्चतम बिंदु तक पहुंचकर पुनः सामान्य स्थिति में आ जाता है, और कुछ समय बाद यह पुनः होता है, ऐसी चलते रहता है। मलेरिया परजीवी मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं अर्थात RBC में पाया जाता है। इस बीमारी से ग्रसित अफ्रीका, एशिया व दक्षिण अमेरिका में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 करोड़ लोग शिकार हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई जगह मौत का महत्वपूर्ण कारण भी बन जाते हैं। जब मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोगी से खून चूसता है तो गेमेटोसाइट RBC अर्थात खून मच्छर में चला जाता है। यह मच्छर से माइक्रोगेमिट और फिर माइक्रोगेमिट और उसके बाद जायगोट का निर्माण करता है, और यह उकाइनेट ऊसाइट बनाते हुए बर्स्टिंग सिस्ट का निर्माण करता है, और यह स्लाइवरी ग्रैंड में चला जाता है अर्थात मच्छर के स्लाइवरी ग्लैंड में चला जाता है, और किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटने पर यह उस व्यक्ति के अंदर में जाकर लीवर में मेच्योर होता है। इसके बाद RBC में चला जाता है और फिर इरिथ्रोसाइटिक साइजोन का निर्माण करता है। अब उसके बाद रप्चर्ड इरिथ्रोसाइट से फिर इरिथ्रोसाइट और गेमेटोसाइट अलग होते हैं, और मच्छर के काटने से फिर से यह गेमेटोसाइट चला जाता है। इस प्रकार मच्छर पाल पोस कर बड़ा करके स्वस्थ मनुष्य में डाल देता है, और यह साइकिल चलता रहता है। अब हम मेन मुद्दे पर जाते हैं, जो हमारी सभी लैब टेक्नीशियन का काम है, अर्थात मलेरिया टेस्ट। मलेरिया टेस्ट दो प्रकार से की जाती है। पहला है स्लाइड के माध्यम से और दूसरा है रैपिड कार्ड के माध्यम से। पहला है स्लाइड मेथड, इसमें भी दो प्रकार से करते हैं। पहला थिक स्मियर और दूसरा थिन स्मियर। थिन स्मियर में एल्कोहल की सहायता से फिक्स करते हैं, जबकि थिक स्मियर को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं होती है। सूखने के बाद इसे सीधे पानी में 5 से 7 मिनट के लिए रखते हैं। फिर दोनों प्रकार के स्लाइड को DLC की तरह अर्थात डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट की तरह स्टेन करते हैं, और अंत में सूखने के बाद ऑयल इमर्सन लेंस से ऑब्जर्वेशन करते हैं। यदि RBC में मलेरिया पैरासाइट रिंग फॉर्म में दिखाई दिया तो वह प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कहलाता है। यदि RBC में धब्बे धब्बे या तो डॉट की तरह दिखाई दिया तो वह प्लाज्मोडियम वाइवेक्स कहलाता है।
दूसरा रैपिड कार्ड मेथड होता है। रैपिड कार्ड सबसे आसान तरीका होती है और रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। इस टेस्ट के लिए कैपिलरी ब्लड या ईडीटीए होल ब्लड 5 माइक्रॉन लेकर कार्ड में डालते हैं और बफल वाले में 2 ड्रॉप बफल डालते हैं। इसके बाद 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं और प्राप्त रिजल्ट का अवलोकन करते हैं। यदि सी में आया तब तो वह कंट्रोल है, अर्थात उसको मलेरिया नहीं हुआ है। यदि पी भी या तो पी एफ पी भी में आया तो वाइवेक्स और पी एफ में आया तो फाल्सीफेरम। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारे आने वाले नए नए वीडियो के बारे में जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों।